मास्टर कहाँ है? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि कल सुबह हम 5 बजे जाने वाले हैं कश्मीर ट्रिप पे। जी हाँ, मतलब ये हमारी कॉलेज ट्रिप होने वाली। मैं अभी फाइनल सेमेस्टर में हूँ, तो आप कह सकते हो फाइनल ईयर में, मतलब हर बार जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स ट्रिप पे जाते हैं, तो मतलब ये मेरी मतलब खुशकिस्मती भी कह सकते हो आप, क्योंकि कश्मीर जाने का मतलब मेरे बहुत टाइम सपना भी था, एक ड्रीम था। तो हम कल जा रहे हैं एंड अभी का काम ये है कि आज मैं व्लॉग इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि मतलब बहुत सारी पैकेजिंग करनी है एंड मैं जो है दिवाकर आर्य सर से गोप्रो भी लेके आया हूँ। तो मतलब यहाँ पर मैं एकदम पॉसिबल जितना भी हो सकता है एकदम प्रीमियम शॉट्स और एकदम यूनिक शॉट्स लेने की कोशिश करेंगे और वहाँ पर जो है ग्राउंड एक्सपीरियंस लेने वाला हूँ। तो मतलब मेरा जो ड्रीम है, मतलब कुल मिला कह सकते हो, बहुत जल्दी सक्सेसफुल होने वाला है और मैं कोशिश करूँगा मतलब जो 7-8 दिन हम वहाँ रहने वाले हैं तो मैं अपना बेस्ट एक्सपीरियंस वहाँ पर आपको शेयर कर सकूँ, वहाँ कल्चर हम समझ सकें, वहाँ का फूड एक्सप्लोर कर सकें, वहाँ की जो हेरिटेज चीज़ें हैं या फिर मतलब कह सकते हो हिस्टोरिकल चीज़ें उनको एक्सप्लोर कर सकें और वहाँ के लोगों से बात कर सकें और मतलब कुछ एक यूनिक एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो अभी जाते हैं और फटाफट पैकेजिंग करते हैं और कुछ छोटा मोटा काम है वो भी कर लेते हैं और मैं आपको कुछ दिखाता हूँ आज का, मेरा कुछ ग्लिम्स दिखाता हूँ आपको कि मतलब क्या हमारा एक्सपीरियंस रहता है। और मतलब मैं हूँ पहले से बहुत एक्साइटेड और अभी मतलब मेरे दोस्त को रूम पे बंद करके आया हूँ, तो फटाफट चलते हैं और मेरे गेट बाहर से बंद कर रखा है, गेट खोलते हैं। वेल गाइस, मैं अभी अपने रूम पे जा रहा हूँ। हालांकि मतलब जो है ना, मैं अभी मेरा जो स्टे है वो कॉलेज के सामने ही है, एक सोसाइटी है वहाँ पर बी बिल्डर के अंदर। तो मैं अभी अपने फ्लैट पे आपको ले जाता हूँ। तो ये मेरा फ्लैट, इसको मैंने बंद कर रखा है, जल्दी जल्दी खोलना पड़ेगा। क्षमा चाहता हूँ, मैंने बाहर से गेट बंद कर दिया। तो इसकी पैकेजिंग चल रही है यहाँ पर और मेरा कुछ यहाँ पर मतलब सामान बिखरा हुआ पड़ा है और मेरा भी सामान बहुत सारा है, इसको पैक करना है। तो फटाफट अपने बैग निकालता हूँ, इसको नीचे से खोलना पड़ेगा, इसका टूटा हुआ है। तो एक बैग ये ला, एक बैग ये ला, ये दो बैग हैं, एक ये मेरा बैकपैक रहेगा। मैं कोशिश करूँगा या तो ये बैकपैक ले जाऊँगा या फिर दूसरा कोई बैकपैक ले जाऊँगा। और ये मतलब एक ये सामान एक मेरा भाई ये ले रहा है और मतलब यहाँ पर पावर बैंक और कुछ बहुत सारा एसेसरीज हैं, इसको मतलब हम जब पैकेजिंग करेंगे तब देख लेंगे। एंड चलो स्टार्ट करते हैं बाकी। सो वेल, मैं आपको छोटा सा अपना एक फ्लैट जो है मेरा, हालांकि मतलब हम हर एक 6 महीने में या फिर मतलब जब जरूरत पड़ती है तो रूम छोड़ लेते हैं, फिर अब जाते हैं ना कोविड के टाइम में, मतलब कह सकते हो तो हम क्या है फ्लैट बार बार चेंज होना पड़ता है क्योंकि मतलब नए लोग आते हैं पुराने लोग जाते हैं। तो ये अभी हमारा फ्लैट है और मतलब बहुत अच्छा फ्लैट है इस तरीके से एंड ओवरऑल मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पर। एंड ये हमारा किचन है, हालांकि यहाँ पर कुछ है नहीं ऐसा क्योंकि हम मेस में खाते हैं। एंड वेल, अरे चेक करें पहन के, तो अभी फटाफट कपड़े खोल लेते हैं, मतलब उतार लेते हैं। तो अरे यार हट यार, बत्ते को बत्ते में से करा नहीं, जहाँ भी वहाँ देखो यार। हाय जयेश, हाउ आर यू? वेयर इज मनील? वेयर इज मनील? तो जयेश बाय, मिलते हैं फिर ट्रिप के बाद। अंकल जी बाय, मिलते हैं ट्रिप के बाद। सरफराज से मिल लेते हैं, कश्मीर। तो सरफराज, हम जा रहे हैं फिर ट्रिप पे, मिलेंगे बाय। ठीक है, वेल गाइस, अभी टाइम बहुत कम है तो फटाफट कट टू कट कपड़े कुछ धोने, मुझे वो कपड़े धो लेते हैं। थोड़ा व्यू दिखाता हूँ बाहर का, जो हमारा कॉलेज है। हैं अकेले अकेले, तो ये हमारा कॉलेज का पूरा व्यू है और पीछे जो है ना पूरी काली पहाड़ी और वो सामने इल्डिगो और मतलब अलग अलग सोसाइटी से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। ये जो है दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस हाईवे, ये जा रहा है दिल्ली, ये जा रहा है जयपुर और अच्छा सा व्यू एकदम। और सारी मतलब यहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज हैं, इको इंडस्ट्रियल एरिया निमराना का, वो जापनी जोन है। कब जा रहे हो आप? कल सुबह 5। हाँ, मैं भी जाऊंगा आप लोगों के साथ। कब जाओगे? आपके साथ क्या कहना चाहोगे? नहीं नहीं, हाँ बताओ क्या कहना चाहोगे भाई। ऐसा है, आप लोग कश्मीर जाओ, इंजॉय करके आओ और ध्यान से, सर्दी है उधर, इधर बहुत गर्मी है, तो आपको जुकाम हो सकता है इधर आने के बाद। नेक्स्ट ट्रिप नेपाल जाएंगे, ठीक है? हम भंडारे के घर देखो, ये हमारा गुरु केंद्र साहब पीजी का किचन है। कैमरा छीन लिया है ना? हाँ ठीक है। और ये हमारा किचन है, ये हमारे कुक है, इसको सेफ बोला जाता है, मिस्टर विशाल। चल तू, जब चल चल, मैं कुछ नहीं करूँगा, ठीक है? और ये हमारे माहिराल जी है,
ये बहुत दिनों के बाद घर से आए आज। और ये हमारे पंडित संतोष कुमार झा बड़े खतरनाक आदमी है, ये देखो देखो 20 रोटी खा के और 4 किलो चावल खा के पेट फुला के टक्कर मारने आ रहे ये देखिए मनीष के साथ अब हम बाहर जाते हुए। हेलो गाइस, दिस इज मनीष एंड दिस इज पांचाल टेक। आग लगा देंगे। देखो गाड़ी आ रही है। सुबह के सभी दोपहर की 2:30 बज गई है, खाना खा चुके हैं, कुछ पीने का मन कर रहा है और थोड़ा बहुत काम है मार्केट में, तो मार्केट जाएंगे एंड लेकिन ले लेते थोड़ी कॉमेडी वगैरह भी करने के लिए स्पेशल मनीष बुलाए हैं यूपी से। यूपी से नहीं, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं मुकेश गुप्ता और मेरे साथ है बिजनौर। देखते हैं पांचाल क्या कर रहा है बाथरूम में। ठीक है, गुड आफ्टरनून गाइस। थोड़ा अभी मार्केट में आए थे, 3:30 बज रही है, कुछ मतलब काम वगैरह कराना है, बैग का चेन वगैरह टूटी है और कुछ छोटा मोटा खाएंगे पियेंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा था निमराना मार्केट, क्योंकि आज टाइम मिला है और मेरे पास ये जो है GoPro कैमरा भी है। तो यहाँ पर है ना नॉर्मली मतलब जो सस्ते कपड़े वगैरह होते हैं ना, मतलब तो यहाँ पर मतलब बहुत सारी शॉप्स हैं, मटके वगैरह और मतलब कुछ हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो आइटम्स होते हैं वो बहुत कुछ है यहाँ पर। इतना सारा भंगार भी मिलेगा। और आगे चलते हैं, थोड़ा मार्केट देखते हैं। हालांकि इतना मतलब कुछ खास नहीं है, गांव जैसा ही है, लेकिन फिर ही मतलब जो इजीली पॉसिबल चीज़ें होती है खाने पीने की, घूमने फिरने की, सब कुछ यहाँ पर मतलब अवेलेबल है। ये देखिए पांचाल सो रहा है, थोड़ी देर में उठेगा क्योंकि रात नहीं जागना है। मैं भी सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही, अभी फोन चला के बैठा हूँ। अरे क्या कर रहा है? तो अभी हमारे पास 4 बैग्स हैं, चारों ट्रॉली बैग्स हैं जो मतलब लगेज जाएगा, बाकी एक जो है बैग पैक है। तो बैग पैक सबका अपना अपना सेपरेट रहेगा, मतलब जो जनरल एक्सेसरीज देती हैं जो मतलब हमको बार बार काम आएगी तो हमारे पास ही। हालांकि ये 4 बैग्स हम तीनों के, एक बैग में मतलब हमारे जो जूते वगैरह एक्स्ट्रा वगैरह हैं, बाकी सब में कपड़े और कुछ कुछ खास खास चीज़ें हैं जो मतलब वहाँ पर यूज़ आएगी। ये तो बंद ही हो गया। रुक चल चल चल, टाइम हो रहा है, भाग। खोल दो अंकल गेट, खोल दो। तो गाइस ये हमारी बस है टाटा की। ओ चलो, सामान अभी पूरा लगेज पैक हो रहा है। मैं 2 लोंडे लेके आया हूँ, मैं काम नहीं करूँगा भाई। मैं मीडिया से हूँ। 56 सीट्स हैं, 1912 पतला आ रहा है तू। नो फोटो प्लीज, नो फोटो प्लीज। बाबा करना आई लो भैया, बेटा बहुत काम कर रहा है मेरा, बेटा बहुत काम कर रहा है। वेज पुलाव और एक पराठा ना बोल दिया हो यानी बैठ रहा हूँ। अपना एक पराठा और हॉस्टल का खाना मतलब पीजी का खाना और अपना वेज पुलाव। गाइस रात की 12:30 बज गई है, अब टाइम आ चुका है ब्लॉग को एंड करने का। कल मॉर्निंग में जल्दी उठना है, करीबन 10:30 बजे के आसपास या 5 बजे के आसपास हम निकलेंगे कश्मीर के लिए। एंड अराउंड मतलब बहुत लंबी ट्रिप होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आज मैंने पूरा ब्लॉग जो है GoPro से शूट किया है, तो आपकी मतलब क्या राय है, आपको कैसा लगा है ब्लॉग और क्वालिटी कैसी है मुझे बताना। हालांकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था GoPro के साथ में और मतलब पॉसिबली इतना होता है इतना नॉलेज आपको देने की कोशिश करूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करूँ। तो अभी थोड़ा काम और बचा है, तो अभी अराउंड मुझे 2-3 घंटे और लगेंगे, तो देखते अगर सो पाया तो सोऊंगा वरना वेल कल मॉर्निंग में बस में ही सोएंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो फिर मिलेंगे। गुड नाइट।